जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है जो डिफेंस के रिटायर हैं, उसके अलावा एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि CFEF के लिए भी वैकेंसीज है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इसी तरह के जॉब अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये वैकेंसीज सबसे पहले कोलकाता की ओर से निकाली गई है, एक्सेसमैन कोलकाता के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोलकाता के काफ़ी पूर्व सैनिक वैकेंसीज के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पर वैकेंसीज कोलकाता की ओर से निकाली गई है। 24,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, प्लस PF और ESI बोनस आरक्षित दिया जाएगा, ईयरली पैड होगा, जो कि एकोमोडेशन यूनिफॉर्म मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एज 48 ईयर मैक्सिमम है और फिजिकली फिट होना चाहिए। ये वैकेंसी निकाली गई है A1 फोर्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, और लास्ट में आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है, ये NSEC HR सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से, जो कि हिंजीवाड़ी पुणे के अंतर्गत है, महाराष्ट्र स्टेट में। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ओनली एक्सेसमैन आर्मी PSF CRPF CSF ITBP के लिए वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज रहेगी। IT कंपनी है बैनर, जो कि हिंजीवाड़ी पुणे के अंतर्गत है, लोकेशन जो है महाराष्ट्र में। ड्यूटी 12 घंटे 26 दिन होगी, सैलरी 27,000 रुपये इन हैंड दी जाएगी, लीव पेमेंट और बोनस यदि आपको दिया जाएगा। PF और ESI अवेलेबल होगा, अर्जेंट कॉल करना होगा आपको, जो कि यहाँ पर नंबर दिया गया है 20 सितंबर 2023, इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, PBC, रेंट एग्रीमेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सभी आपके पास हैं। यदि नहीं भी हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ में पासपोर्ट साइज़ के 6 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैकेंसी पूर्व सैनिक और पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगली वैकेंसीज है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज, ये वैकेंसीज निकाली गई है श्री झंडा साहिब झंडा मोहल्ला देहरादून की ओर से। आवश्यकता है पूर्व सैनिकों की। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब 350 प्राचीन सामाजिक एवं धार्मिक संस्थान है। श्री दरबार साहिब के अनुसंगित संगठन श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इन संस्थाओं में कार्य करने हेतु भूतपूर्व सैनिक जो स्वस्थ हो और जिनकी आयु 50 साल से कम हो, वे आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना विस्तृत जीवन वृत्त यानी कि अपना बायोडाटा ईमेल पर आप कर सकते हैं sgrremission@sgrrmission.org, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ईमेल आईडी है। तो इस पर आप आने वाले 15 दिन के अंतर्गत अपना डिटेल्स बायोडाटा यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, या आप कार्यालय मानव विभाग श्री राम गुरु राम राय दरबार साहिब श्री झंडा साहिब देहरादून में 15 दिनों में आपको वहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, नहीं तो आप यदि नज़दीक है आपके तो आप वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं। ये और वैकेंसीज है कि जो कि बिल्डिंग ऑपरेशन से रिलेटेड AM पोजीशन क्वालिफिकेशन स्किल वेटनर्स जो कि पैरा SF के हैं या फिर NSG के हैं, उनको ही यहाँ पर लिया जाएगा। जिनके पास कि खुद का ऑन पिस्टल लाइसेंस होगा, वैलिड ऑल इंडिया लाइसेंस होना चाहिए, एज 42 ईयर मैक्सिमम है। यहाँ पर सैलरी 74,000 दी जाएगी, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, यानी अदर बेनिफिट छोड़ करके फूड एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ये आपको अरेंज करना होगा। लेकिन सैलरी यहाँ पर 74,000 आपको दी जा रही है। 6 डेज ए वीक जॉब होगा, जॉब लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना में है, और यहाँ पर आप नंबर देख लेंगे, इस नंबर पर आप रिज्यूम अपना सेंड कर सकते हैं, अपना रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए सभी वैकेंसी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए ये थी सभी प्राइवेट वैकेंसीज। जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।